बॉडी वन मान लीजिए, इसके तो मान लीजिए मैं चार्ज बोलता हूँ, इसके तो मान लीजिए चार्ज है प्लस 5q माइनस 7q जो भी है, अगर इस चार्ज को मैं ट्रांसफर करता हूं तो क्या यह चार्ज प्लस 1/2q ट्रांसफर हो सकता है? रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके वो आयनाइज हो जाएगा और आयनाइजेशन की वजह से वो चार्ज इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। सो ये एक बेसिक रीजन है जिसके वजह से प्लस 1/2q माइनस 1/2q या प्लस 5/3q ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो n है वो n क्या होता है, एक इंटीजर होता है, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, जो n होता है n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, n क्या होता है इंटीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल n बराबर मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है, इट इज ओनली मीन्स अबाउट इट्स प्रॉपर्टी, कि उसकी प्रॉपर्टी एक के प्रॉपर्टी के अपोजिट है। या मैं कहूँ कि प्लस 5q माइनस 5q का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज आर अपोजिट, दैट्स इट। ये मैं बार बार इस लाइन पे इसलिए आपको फोकस ला रहा हूं कि बाद में सवाल लगाते हुए आपसे गलतियां हो जाती हैं, सो अभी से आप अपने दिमाग में रखिएगा इन चीजों को। तो q बराबर n इंटू ई, क्यू बराबर n इंटू ई, क्यू क्या है, q इज चार्ज, n क्या है, n है नंबर ऑफ चार्ज, ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि एक यूनिट का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या इसे हम बोल देते हैं यूनिट चार्ज। काफी फेमस लाइन है ये यूनिट चार्ज, आप कोई भी बुक उठा के देखोगे तो यूनिट चार्ज आपको मिल जाएगा। यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं अब कॉन्सेप्ट इस पे अच्छा करने के लिए, क्योंकि थ्योरी से आपका बोर्ड निकलेगा, आईआईटी जेई आप भूल ही जाओ, तो आईआईटी जेई निकालने के लिए आपको एक सवाल लगाना पड़ेगा। तो पहला सवाल ये देखिए कि किसी भी बॉडी के अंदर ए बॉडी हैज माइनस 1 कूलम चार्ज, कोई भी बॉडी के अंदर चार्ज जो है वो माइनस 1 कूलम है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी के अंदर माइनस 1 कूलम चार्ज है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सिंपल सी बात है, अभी मैंने पढ़ा कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, तो क्यू बराबर एन इंटू ई होगा, इस पर मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे एन निकालना है, क्यू की वैल्यू मुझे पता है माइनस 1 कूलम है, एन मुझे निकालना है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप n की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे सर आपने माइनस नहीं लगाया, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था कि ये प्लस माइनस कुछ नहीं है, बस एक नेचर को शो करता है, बस एक नेचर को शो कर रहा है। क्या कोई किसी की चीज का नंबर नेगेटिव हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है, क्या किसका कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आ सकते हैं? कोई भी चीज, कोई भी मैटर नेगेटिव हो सकता है? वो नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन को नेगलेक्ट किया हुआ। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ऑप्शन में माइनस भी दे देता है और लड़के क्रिटिक करके आते हैं और फिर बोलते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई, तुम्हारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही सही नहीं था। सो डैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो मैंने बोला कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सेकंड थिंग मैंने बोला चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो दोनों बातें समझ में आ गई।
अब तीसरी बात पे मैं आता हूं। तीसरी बात क्या है इसमें? हाँ ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज से ही आगे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है चार्जेस, चार्जेस इनवेरिएंट इन नेचर, चार्जेस इनवेरिएंट इन नेचर। अब इससे मेरा मतलब क्या है? तो देखो भाई, इससे मेरा मतलब केवल साफ इतना ही है कि जो चार्ज है वो किसी बॉडी के अंदर हो, मूवमेंट कर रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, उससे उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं कह दूं कि एक बॉडी है, एक बॉडी के अंदर +5 Q का चार्ज है। अब तीन लोग हैं, मान लो एक लोग ये हैं, एक लोग ये हैं और एक लोग ये हैं। तीन लोग हैं मान लो, एक लोग रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो इनकी वेलोसिटी जीरो है। एक लोग मान लो मूवमेंट कर रहे हैं इधर की तरफ +5 मीटर पर सेकंड से, एक लोग इधर मूवमेंट कर रहे हैं -5 मीटर पर सेकंड से, तो इन तीनों को ही ये +5 Q ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि +5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इनको ये +5 Q की जगह +7 Q दिखाई दे देगा, या ऐसा नहीं है कि -5 मीटर पर सेकंड से इधर मूवमेंट कर रहा है तो इनको +5 Q की जगह पर +10 Q दिखाई दे देगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज, अगर आपने मास, अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि इस कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा उस पर ही बात करना चाहता हूँ आपसे कि वो क्या कॉन्सेप्ट था। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था वो देखिए कि आइंस्टाइन ने मास, आप पढ़ेंगे फेमस आइंस्टाइन का मास इक्विवेलेंस रिलेशन था, आइंस्टाइन्स मास इक्विवेलेंस रिएक्शन रिलेशन था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक को अगर आप पकड़ लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी काफ़ी इजी हो जाएगी। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी बॉडी जो है वो डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि कोई भी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है या वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका मास भी बढ़ेगा। सिमिलर केस में अगर वेलोसिटी कम है तो मास घटेगा। अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो वो बॉडी का मास इनफाइनाइट हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने क्या बोला, तीन केसेस आपसे बोले, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है कि मास जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। थर्ड केस में मास जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो अब आप कहोगे कि सर क्या ऐसा कुछ इसके साथ भी है क्या, चार्ज के साथ, कि चार्ज की वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ के की वेलोसिटी बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ जाएगा। मान लो चार्ज को मूवमेंट करा रहा हूँ तो उसका चार्ज की वैल्यू घट जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा जनरली क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं उसमें वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि जिससे वजह से उसमें चेंजेस आए। अब आप देखोगे कि मास में और चार्ज में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, उसी रिलेशन की वजह से मैंने इसको बताया। वो रिलेशन क्या है, मैं बेसिक से उठाता हूँ वो रिलेशन। जैसे मैंने क्या बोला, मैटर, मैंने बोला मैटर, मैटर के अंदर ही मास है और मैटर के अंदर ही चार्ज है। मान लो मैं बोल देता हूँ कि ये कोई न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो चार्ज का फ्लो हो रहा है भाई। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट, कोई भी चीज़ पॉजिटिव चार्ज हो रही है, कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रही है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन। आप प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन निकालना काफ़ी कठिन होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन से ही आप जज करते हो, इसलिए फॉर्मूला था क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई। खैर वो सब आगे आपको देखेंगे। तो प्रोटॉन आप नहीं निकाल सकते, आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज जाती है या कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब अगर अगर आप मास की बात करें तो मास क्या हो रहा है किसी बॉडी का, मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस
मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक यूनिट मास की बात करें, किसी भी एक एटम की बात करें, तो वन एटॉमिक मास तो यही है। अगर आप मास के अंदर देखो तो मास के अंदर तो चार्ज भी आ रहा है, पर क्या है, चार्ज है, तो रिलेशन आपको दिख रहा होगा कि रिलेशन तो भैया है, आपको मास के अंदर चार्ज दिख रहे हैं मास के अंदर। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको बताया क्योंकि कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं पे भी डाउट हो इस टॉपिक पे। मास के अंदर देखिए चार्ज आ रहा है, तो इसीलिए मैं नए टॉपिक पढ़ूंगा कि मास में और चार्ज में बेसिकली क्या रिलेशन है या कौन सा रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे।